देश के मशहूर उद्योगपति और फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा के साथ काम करना अपने आप में एक उपलब्धि है, खासकर तब वो जो आपसे वो करने को कहा जाए जो आपका सपना हो। इतना ही नहीं, एक ऐसा काम जिसके लिए खुद रतन टाटा आपको फ़ोन करें और जॉब ऑफर करें। 27 साल के शांतनु नायडू के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। फेसबुक पर वुमन्स ऑफ बॉम्बे से शांतनु ने अपनी सफलता की कहानी साझा की है जो इन दिनों बहुत वायरल हो रही है। शांतनु ने फेसबुक पर कहानी शेयर की जिसे 20,000 से भी ज़्यादा लोग अब तक पसंद कर चुके हैं। अपनी कहानी सुनाते हुए शांतनु बताते हैं कि रतन टाटा से उनकी पहली मुलाकात 5 साल पहले 2014 में हुई थी। वो बताते हैं कि 5 साल पहले सड़क पर आवारा कुत्तों की लगातार मौत ने उन्हें बहुत दुखी किया। इसके लिए कुछ करने की जिद उनके मन में थी और उन्होंने कुत्तों के गले में रिफ्लेक्टर लगे हुए कॉलर्स लगाना शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए कि तेज गति से आ रहे ड्राइवर को दूर से ही सड़क पर कुत्तों के होने की जानकारी मिल जाए। शांतनु के इस काम की बहुत तारीफ हुई और रतन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने न्यूज़लेटर में भी उनकी स्टोरी छपी। शांतनु कहते हैं कि उसी समय मेरे पिता ने मुझे कहा कि मैं रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखूं क्योंकि उन्हें भी कुत्तों से बहुत प्यार है। हालांकि शुरुआत में मुझे थोड़ी झिझक हुई लेकिन फिर मैंने चिट्ठी लिखी। शांतनु कहते हैं जैसे ही भारत लौटा मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम करवाना है, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। शांतनु के लिए किसी सपने जैसा था। उन्हें एक बार तो यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ जरूर। शांतनु से रतन टाटा के साथ उनके ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं और उनकी ये पूरी स्टोरी फेसबुक पर शेयर की गई है जो काफी वायरल हो रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।